हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए ऑसम हाउस प्लान्स एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को जो है देख सके। एंड इसी तरह से हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिएगा एंड सपोर्ट करिए। और एक चैनल है, लाइफ इज़ ऑसम सिविल, उस पर जो है आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियाँ मिलते रहेंगे। इंडिया का नंबर वन हाउस कंस्ट्रक्शन चैनल, उस पर जाके आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। लाइफ इज़ ऑसम सिविल बोल के आप टाइप करें यूट्यूब में, चश्मे के साथ एक फ़ोटो आ जाएगा, उसमें आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26x52 फीट में बना हुआ एक बेस्ट सिंपल सा प्लान, और फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। चलिए बात करते हैं हम शुरुआत से। ये जो है हमें सेंड किया गया था, ओके, उन्हें भी बहुत बहुत थैंकफुल कि उन्होंने जो हमें सेंड किया गया है प्लान। इसी तरह से आपके पास भी कोई प्लान्स रहा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है 8095615113, इस पर आप सेंड कर सकते हैं PDF फाइल्स। सामने की तरफ एक पॉर्च लिया गया है 10 फीट 6 इंच x 14 फीट 10.5 इंच का, और यहाँ पर जो है स्टेप्स लिया गया। स्टेप्स का साइज़ लगभग आपको 7 से 7.5 फुट में बन जाएगा इनर टू इनर। और पॉर्च से एंटर करें तो इससे पहले भी ड्राइंग रूम में आप एंटर कर सकते हैं। दो पैसेज दिया गया, यहाँ से एक बार और इधर से। यहाँ पर ड्राइंग रूम का साइज़ 13 फीट 3 इंच x 12 फीट 3 इंच का है। एंड ड्राइंग रूम से एंटर करते तो यहाँ पर विंडो ले सकते हैं आप 4.4 फुट में। एंटर करें यहाँ पर लोबी, लोबी का साइज़ है 18x12 फीट का लोबी। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए 4 फीट। एंड किचन लिया गया, किचन का साइज़ 6 फीट 1.5x11 फीट का किचन और पूजा रूम। तो इस तरह से लिया गया, काफ़ी बढ़िया से लिया गया। ये जो है साउथ फेस का प्लान एंड लोबी पूजा रूम। इधर एक बेडरूम लिया गया और टॉयलेट एंड 7x5 फीट में टॉयलेट रूम बनाया गया इस एंड पर, ओके। इधर जो है ओपनिंग रखा गया ताकि कुछ वेंटिलेशन के सुविधा मिल सके आप सभी को, अलमीरा रखने के लिए जगह। एंड देखिएगा यहाँ पर एक बेडरूम 13x10x12 फीट 6 इंच का एक बेडरूम लिया गया। ये है आपका स्टोरेज, 6 फीट x 5 फीट का एक स्टोर रूम बना सकते हैं। इधर ओपन स्पेस ताकि वेंटिलेशन हर एक घर को आ सके अच्छी तरह से। एक तरह का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ की तरह एक्ट करेंगे, जैसे बेडरूम से आप जा सकते हैं। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान। चलिए अब हम बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और फुल व्यू। फुल व्यू में इस तरह से दिखेगा, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे जो है आपको एक हेल्पफुल भी हो सकता है, एक आइडिया मिलेगा। और प्लीज़ हमें भी सेंड कर दीजिए आपके घर के प्लान्स व्हाट्सअप पर, ओके। एंड ये इस तरह से फुल कंप्लीट व्यू में कॉलम साइज बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, उसके बाद इधर एक फोर्थ, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, ओके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 7, 8, 9, फिर यहाँ पर एक 10, 11, 12, 13, 14 कॉलम। कुल मिलाकर 14 कॉलम आ जाएंगे इस घर के लिए। फिर भी मैं एक अंदर से बता रहा हूँ, मैं 9x15 इंच का कॉलम लीजिएगा, जिसके अंदर रॉड जो है डिपेंड करता है 4 साइड 3 साइड लोड 4 साइड लोड कितना साइड से, उस पर टोटली डिपेंड करता है, ओके। थैंक यू सो मच, इसी तरह से हमें प्लान सेंड करते रहेगा एंड शेयर कर दूंगा मैं। पूरे इंडिया देखेगा, हमारे हिंदुस्तान जितने भी लोग हैं उन देखेंगे, जिनको जो ज़रूरत पड़ेगा उन लोग ज़रूर देखेंगे। 26x50 में बना हुआ सिंपल सा बेस्ट और ब्यूटीफुल प्लान। थैंक यू सो मच।